तो किम जो हमारा वाला मित्र एंड आई सो माय डियर, सो आज हम बनाने वाले एकदम क्लीन बैनर, फोर्टनाइट बैनर है ये बेसिकली। ये थोड़ा गर्लिश टाइप बैनर है, ठीक है। सो लेट्स बिगिन। बस इसमें एक छोटी सी चीज़ है कि बहुत पेशेंटली वर्क करना पड़ेगा आपको, क्योंकि मैंने भी बहुत मिस्टेक्स की है इसको बनाने में, तो मुझे नहीं चाहिए कि आप भी वो मिस्टेक्स करो। सो पेशेंटली वर्क करो, घाई मत करो ज़्यादा, बस उतना ही कहना था। एंड लेट्स बिगिन। सो पहली बात तो ना, ये वीडियो ये जो बनाने के लिए बैनर, ठीक है, फोर्टनाइट के पीछे के जो ये है बैकग्राउंड है वो लगेंगे। सो मैंने इसमें ले लिया एक, ठीक है। आप चाहो तो दो भी कर सकते हो, ठीक है, मैं अभी दो ही कर रहा हूँ, ठीक है, दो इसको मर्ज करके वो भी कर सकते हो, बट जैसे सही लगे। सो एक मैंने ऐसा कुछ ले लिया है, एंड लेट्स सी, ओके, ये हो गया। इसकी आपको ब्लैक एंड व्हाइट कर लेना है इसको, ठीक है, पूरा, ओके, ब्लैक एंड व्हाइट कर लिया मैंने। अभी न्यू लेयर सॉलिड कलर फिल कर लेना है। सॉलिड कलर आप पिंक कर सकते हो, ठीक है, पिंक मैंने रखा है इसमें, आपको जो पसंद है वो रख सकते हो। ये तो क्लीन बैनर कैसे बनाना है इसका ट्यूटोरियल, ठीक है। सो ये कर लिया, इतना सॉलिड ले लिया ना आपने, अब एक कैरेक्टर ले लो, ठीक है। कैरेक्टर मेरे पास पहले से पड़ा था, आपको जो चाहिए वो ले सकते हो, ठीक है। कैरेक्टर मैं लेके आता हूँ यहाँ पे, कैरेक्टर को अच्छे से ट्रेस करना, वरना ऐसे कुछ हो जाएगा, ठीक है। ये जो फटा हुआ दिख रहा है इसका आउटलाइन वो दिखेगा। अभी तो मैं वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो इसीलिए मैंने इसको ट्रेस करके रखा था पहले से ही, ठीक है। सो मैंने इसको एकदम सेंटर में ले लिया पहली चीज़, ठीक है। सेकेंडली एक ये है अपना ब्रश है, ठीक है, इसका भी लिंक मैं देखता हूँ, अगर मेरे को मिल गया तो मैं आपको दे दूँगा ऑफकोर्स, ठीक है। सो अपने सॉलिड लेयर के वेक्टर मास्क के ऊपर ब्रश का ये दे दो, ठीक है, ठीक। और चाहो एक ऐसे दे दो कि वो अपना जो कैरेक्टर है उसके पीछे से जाए, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये अपना कैरेक्टर है, एंड इसको मैं थोड़ा और रोटेट कर लेता हूँ, ठीक है, ऐसा भी चलेगा, कोई बात नहीं, कंट्रोल डी, एंड न्यू लेयर ऑफकोर्स न्यू लेयर ले लो, एंड वाइट कलर से ब्रश मार दो, ठीक है, वहाँ पर। एंड इसकी ओपेसिटी ना थोड़ी कम कर लो, एंड आपकी जो फिल लेयर है उसकी भी ओपेसिटी कम कर सकते हो आप, ठीक है। फिल सॉलिड लेयर में इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आप कभी भी इसका कलर चेंज कर सकते हो, ठीक है। ओके, सो सीम्स परफेक्ट, अभी के लिए तो परफेक्ट लग रहा है, ठीक है। ये इतना हो गया। अभी एक टेक्सचर है, ठीक है, उसका भी लिंक मैं पैक दे दूंगा इसमें, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। ये टेक्सचर है, ठीक है, अभी आई डोंट नो कितना टाइम लगेगा इसको, क्योंकि मेरा पीसी है थोड़ा हैट, ठीक है। सो इसको ना मैं पिंक कलर के ऊपर ही इसको मार लेता हूँ, ठीक है, इसको लीनियर डॉज ऐड कर दोगे तो इसका वाइट पोर्शन आ जाएगा पिंक कलर के ऊपर, ठीक है। सो ऐसा कुछ दिखेगा आपको।
एंड सेकेंड चीज कि अगर ये जो लेयर है, ठीक है, इसके ऊपर भी आपको देना है, बहुत सिंपल है, इसका कंट्रोल जे मारो, ठीक है, ट्रांसफॉर्म, और इसमें जाके ना इसका यूएन सैचुरेशन, या तो इसको है ना यूएन सैचुरेशंस में कलराइज करके इसका ग्रीन कलर दे दो, ठीक है, थोड़ा ग्रीनिश टाइप दे दो, एंड इसको ना ये देखो सब्ट्रैक्ट में सब ये निकल जाएगा, मतलब इसका थोड़ा ऐसे ग्रीन कलर आप दे दोगे ना तो उसमें से सब्ट्रैक्ट में से पिंक कलर ऐसे दिख जाएगा, ठीक है, अब देख लो आपके हिसाब से आप चेंजेस कर सकते हो इसमें, ठीक है, तो लेट्स सी, एंड इसको भी मैं थोड़ा सा निकाल लेता हूँ क्योंकि ये दिख रहा है गंदा, वेक्टर मास्क ब्रश, ओके इतना हो गया। अब आप एक काम कर सकते हो, ठीक है, कि अपना एक अनदर डेंजर करके एक फॉन्ट था, ठीक है, ये कौन सी कैटेगरी से बिलोंग करता है पता नहीं, बट सब लोग ने देखा होगा होप्स, ठीक है, सो इसमें ना आपको कुछ भी लिख देना है, ठीक है, ऐसे लिखना है कि वो ब्रश का स्ट्रोक लगे, फॉर एग्जांपल मैं दिखाता हूँ, डी ए एम ए लिखोगे ना आप, ठीक है, उसको आप जब बड़ा कर दोगे, एकदम साइज बड़ी कर दोगे, ठीक है, सो ये ऐसा कुछ दिखेगा, देखो है ना, सो ऐसा कुछ आपको कर लेना अगर आपके पास ब्रशेस नहीं है, ठीक है, सो मैं ऐसे ही करता था, ठीक है, ऐसे ही करता हूँ मैं, एंड इसका भी आपको वेक्टर मास्क आधा निकाल लेना है, ठीक है, क्योंकि हाफ में तो डिफरेंट लगेगा, कलर डिफरेंट हो जाएगा इसका, सो आप इसकी भी कॉपी कर सकते हो, ठीक है, सीधा ऑल्ट प्रेस करके शिफ्ट कर लो ऊपर, ठीक है, कंट्रोल डी, ओके सॉरी कंट्रोल जे, डी आफ्टर इफेक्ट्स में सेम, बट अभी इसका उल्टा करना है आपको, ठीक है, सो डिलीट लेयर मास्क, प्रेस बी, ठीक है, वो टोन ब्रश था ना उसको ही वेक्टर मास्क में निकाल देना है आपको, ठीक है, सो हो गया, गुड टू गो, अब दोनों की ओपेसिटी चेंज कर लो चाहे, अगर ये पिंक कलर का ज़्यादा दिख रहा है तो इसको भी कम कर लो, ठीक है, एंड अगर ये कलर ज़्यादा वो दिख रहा है आपको तो इसको भी आप चेंज कर सकते हो, ठीक है, ये तो सही दिख रहा है, ठीक है, और हाँ जो वाइट कलर के इसमें जो आप टेक्स्ट डालोगे, ठीक है, उसका आपको कलर पिंक रख लेना है, ठीक है, तभी ये दिखेगा ऐसा कुछ, ठीक है, सो ये हो गया एक चीज, अब सेकेंड चीज इसमें आप जो भी आपका टेक्स्ट है वो ऐड कर लो, ठीक है, उसके पहले एक चीज़ करनी है आपको, न्यू लेयर लो सबसे ऊपर, ठीक है, उसको आई गेस ये बहुत ये हो गया अपना, बहुत लाइट हो गया, ठीक है, तो हम फ्लो 100% ही रख दें, ठीक है, इसको डिलीट, न्यू मास्क,
अब सब कुछ ट्राई करो और देखो क्या फिट बैठता है आपके ऊपर, ठीक है, आपके बैनर के ऊपर। सो ये हो गया। अब सेकेंड चीज, इसमें आप कर सकते हो कि आपका जो नाम है, ठीक है, पहले वो लिख लेते हैं। हाँ, उसके पहले अब दोनों भी जो आपने जो टेक्स्ट लिखा था, ठीक है, पीछे ब्रश की जगह पर, उसको रेस्टराइज टाइप कर लो, ठीक है, क्योंकि वो अगर नहीं किया तो आपको घड़ी घड़ी ये परेशान करेगा, इससे तो रेस्टराइज टाइप कर लो। इसमें मैंने फॉन्ट यूज़ कर किया था अकीरा एक्सटेंडेड, ठीक है, अकीरा एक्सटेंडेड, अकीरा एक्सटेंडेड क्या है, ठीक है, जो भी है। सो इसको ले लो एंड फोर्टनाइट यहाँ पे, ठीक है, अगर आप देख सकते हो तो यहाँ पे ना थोड़ा वाइट कलर ज़्यादा हो गया। सो ये जो है इसको आप बोल्ड रख सकते हो थोड़ा, ठीक है, बोल्ड इन द सेंस थोड़ा डार्कर रखो इससे, ठीक है। मैं कलर्स आपको बता देता हूँ, ठीक है, ऐसा कुछ रख सकते हो या तो वाइट रख सकते हो, दोनों में से एक, ठीक है, वाइट दिखेगा। और अगर वाइट भी ज़्यादा हो लग रहा है आपको, ठीक है, कि वाइट भी मर्ज हो रहा है ज़्यादा, ठीक है, सो पहले तो ना ये जो आपका जो ब्रश लेयर आपने मारा था उसको लॉक कर दो, क्योंकि वो बार बार हिलेगा, आपको तकलीफ देगा, ठीक है, उसको लॉक कर लो। और उसके बाद आप आराम से चेक करो, ठीक है, कि कौन सा सही बैठ रहा है, ठीक है। इन केस अगर आपको चेंजेस करना पड़े कलर में तो आप वो भी कर सकते हो, क्योंकि हम लोग ने सॉलिड लेयर लिया था, ठीक है, तो वो भी हम इजीली कर सकते हैं, ठीक है। सो वी आर फाइनली, हमारा जो टेक्स्ट है वो रेडी हो चुका है एंड ये हो गया इतना। अभी एक चीज़ है, ठीक है, अगर ज़्यादा मर्ज हो रहा है, ठीक है, सो एक चीज़ कर सकते हो कि आपका जो ये लेयर है टेक्सचर वाला, ठीक है, उसको कहाँ गया, ओके यहाँ पर, उसकी आप ओपेसिटी थोड़ी सी कम कर सकते हो, ठीक है, ज़्यादा वाइट हो गया तो वाइट पे नहीं दिखेगा, ठीक है, सॉरी, ओके, ये भी है एक चीज़। सेकेंडली सेम इसको डुप्लीकेट, ठीक है, एंड स्ट्रोक वाइट भी अच्छा लग रहा है, ठीक है, सो आप वाइट ही रख लो। ठीक है, सो ऐसा कुछ जब दिखेगा, ओके, सो इसमें अभी तो हम फोर्टनाइट लिख लेते हैं, ठीक है, फोर्टनाइट, ओके, सेम यूज विद फोर्टनाइट, ओके, दोनों को सिलेक्ट, कहाँ गया, ठीक है, एंड बड़ा कर लो थोड़ा, ओके, सो इतना हो गया। अब आप सेकेंड चीज़ ये कर सकते हो कि आपका जो भी है, अभी मेरे पास मैंने ये बना के रखा था, ठीक है, सो आप आपका इंस्टाग्राम एंड ट्विटर जो भी है, ठीक है, वो लेके आओ। मैं अभी के लिए इसमें YouTube डालता हूँ, ठीक है, ये पूरा बना के रखा है, ठीक है, इसका कलर अपोजिट जो भी है आपका, जो भी कलर है वो अपोजिट में, ठीक है, उसके हिसाब से रख लो, ठीक है। एंड हाँ, इसको एक के ऊपर एक भी रख सकते हो, ठीक है, एंड हाँ, सेकेंड चीज़
कि अगर ये पीछे वाला जो आपने टेक्स्ट लिखा है वो बहुत ज़्यादा मर्ज हो रहा है, ठीक है, सो उसका भी अपने पास इलाज है, ठीक है, इसको ढूंढना पड़ेगा पहले, ठीक है, यहाँ पर है इसको आप है ना इसकी फिल एंड ये सब के साथ खेलो, ठीक है, देखो कौन सा अच्छा बैठ रहा है, ठीक है, उसके ऊपर, ओके एंड यस ऑफकोर्स आपको ये सब के साथ थोड़ा सा खेलना पड़ेगा, थोड़ा टाइम निकाल के ही ऐसे बैनर्स बनाने बैठो, ठीक है, क्योंकि फर्स्ट थिंग कि आपको बहुत सारी चीज़ों के इसमें से जाना पड़ेगा, बहुत सारी ट्रायल्स लेनी पड़ेंगी और उसके लिए आपको टाइम चाहिए, ओके, सो ये देखो ठीक है, सो ऐसे सब चीज़ें जब हो गई तो आपको टाइम निकाल के ही बैठो ये सब काम करने के लिए, ठीक है, एंड हियर वी गो थर्ड थिंग, अगर आपको बैनर अभी भी बहुत खाली दिख रहा है, ठीक है, या कॉर्नर्स में से बहुत खाली है, थोड़ा इनकम्प्लीट लग रहा है, ठीक है, एक फॉन्ट है न्यूटोरियस ऐसा कुछ तो है, ठीक है, मैं यहाँ पे आपको नीचे लिख जाएगा नाम, ठीक है, उसको लो, आपका जो भी है अभी फोर्टनाइट है ना अपना फोर्टनाइट, ओके, वर्टिकल अलाइनमेंट में इतना कर लो, ठीक है, और उसको भी बैनर के इसमें ये, ठीक है, बट इसकी जो स्ट्रोक है, ठीक है, स्ट्रोक में ही रखो इसको, ठीक है, वाइट कलर के स्ट्रोक फिल जीरो एंड ये चीज़ आप सामने भी कर सकते हो, सामने की साइड में, ठीक है, सो सेम कंट्रोल जे, वर्टिकल हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल दोनों भी कर लो एक बार फ्लिप, ठीक है, स्ट्रोक डन, इतना हो गया, अब आपका बैनर रेडी है, सिंपली इसको एक्सपोर्ट कर लो, ठीक है, एंड बस इतना ही था बैनर अपना, ठीक है, अगर कोई भी डाउट हो तो आप ऑफ कोर्स मुझे पूछ सकते हो इन कमेंट सेक्शन, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, अगर आप नए हो मेरे चैनल पे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, हमारा गोल 10K तक अभी जाना है, ठीक है, अभी तो 1K हुआ है तो 10K जाना है, सो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।